ना घी ना मावा ना चाशनी, हम बनाएंगे हलवाई जैसी परफेक्ट मिठाई, घर में अवेलेबल चीज़ों से ही बहुत ही बढ़िया, एकदम जूसी सॉफ्ट दानेदार ऐसी मिठाई बनती है। रक्षाबंधन पास आ रहा है तो रक्षाबंधन के स्पेशल पावन अवसर पर आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर इसका आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मिठाई बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीना जमी किचन। लीना जमी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मिठाई बनाने के लिए हम लेंगे आधा लीटर क्रीम वाला दूध। इसमें से हमने क्रीम नहीं निकाली है, फुल फैट क्रीम वाला दूध हम लेंगे। इसे हम अच्छे से उबाल लाएंगे। उबाल आने के बाद हम इसमें 4 स्पून शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर अच्छे से घुल जाए इसलिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें उबाल आते टाइम हमें ध्यान रखना है कि साइड में जो मलाई जमती है उसे हमें इसमें मिलाते जाना है। बढ़िया ऐसे उबाल इसमें आने देना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे बढ़िया से उबाल लेंगे। 2 बड़े चम्मच मलाई हमने निकाल के रखी थी। दूध उबालने के बाद उसके ऊपर जो मलाई जमती है वही मलाई मैंने 2 दिन की स्टोर करके रखी थी। तो मलाई हम ये दूध में मिला देंगे। इससे बहुत ही क्रीमी ऐसे टेक्सचर हमारे मिठाई को आएगा और बहुत ही टेस्टी ऐसे मिठाई बनेगी। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा गाढ़ापन दूध में आ जाता है। बढ़िया ऐसी मिठाई बनने के लिए ये क्रीम जो हमने ऐड किया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बढ़िया सुंदर ऐसे कलर आने के लिए फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कीजिए, वरना बिना कलर के भी बहुत ही बढ़िया ऐसी मिठाई बनती है। अगर आपके पास रेडीमेड फूड कलर नहीं है तो आप बीट का जूस इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना रहेगा कि ये ऑरेंज कलर की मिठाई बनेगी और अगर आप बीट का जूस ऐड करेंगे तो उसका कलर पिंकिश आएगा और वो भी बहुत ही टेस्टी ऐसे मिठाई बनती है। मिठाई एकदम क्रीमी जूसी बने इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 4 स्पून मिल्क पाउडर। इसमें हम थोड़ा कच्चा दूध मिला देंगे और इसका बढ़िया ऐसे घोल हम बना लेंगे। अगर डायरेक्टली हम उबाले हुए मिठाई के मिल्क में इसे डालेंगे तो पाउडर के गोले बन जाते हैं और बढ़िया से वो मिक्स नहीं हो पाते। इसके लिए हमें इसे बढ़िया ऐसे पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर के मिल्क में घोल बना के इस तरह से इसे ऐड करना है। इसको हम लगभग 10 से 15 मिनट तक बढ़िया ऐसे उबाल इसमें लाएंगे। इसमें उबाल आता है तब तक हम मिठाई बनाने के लिए ट्रे रेडी कर के रखेंगे। ट्रे में मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है, उसके ऊपर थोड़ा घी हम लगा देंगे ताकि बढ़िया से मिठाई निकल जाए। दूध भी बढ़िया से गाढ़ा हो गया है। इसे हमें हाई फ्लेम पे बढ़िया ऐसे बॉईल कर लेना है। जितना हम इसे बॉईल करते हैं उतना कलर इसका गाढ़ा होता रहता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर इसको आ गया है। अभी हम फ्लेम थोड़ी मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम
लगभग 5 मिनट तक इसे अच्छे से गाढ़ापन आने तक बॉईल करेंगे। अभी हमें ध्यान रखना है इसे ज़्यादा गाढ़ा ऐसे नहीं होने देना, बस इसी तरह गाढ़ा हो जाए। मलाई ऐड की है तो थोड़ा घी इसमें से निकलता है, अगर ज़्यादा घी निकले तो आप घी थोड़ा इसमें से सेपरेट कर सकते हैं। अभी जो मिठाई हमने बनाई है इसे हम ट्रे में सेट कर देंगे। ग्लास की बैक साइड से हम मिठाई अच्छे से सेट कर देंगे। देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी, एकदम दानेदार रसीली जूसी ऐसी हमारी मिठाई बन रही है। अभी हम इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट से सेट कर देंगे, जिससे और भी टेम्पेटिंग, एकदम हलवाई जैसी हमारी मिठाई लगेगी। मिठाई को डेकोरेट करने के लिए मैंने बादाम और पिस्ता के पीसेस लिए हैं। आप आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस तरह थोड़ा डिस्टेंस रख के ड्राई फ्रूट सेट करेंगे तो इसे कट करने में आसानी होती है। आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ऐसे मिठाई लगती है। ग्लास की हेल्प से हम फिर से इसे अच्छी तरह ड्राई फ्रूट्स इस पे सेट कर देंगे। वाओ, बहुत ही टेस्टी टेम्पेटिंग ऐसी मिठाई रेडी हो गई है, ये अच्छे से सेट हो गई है। अगर आप ये मिठाई बनाते और सेट नहीं हो गई जल्दी तो आप इसे थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए कितने इजीली वो कट हो रही है, उसके कटिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी जूसी सॉफ्ट दानेदार ऐसी परफेक्ट हलवाई स्टाइल हमारी मिठाई रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऐसे मिठाई हो गई है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे YouTube चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।